दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया, और केवल राहत देने से इनकार नहीं किया है, बल्कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने आप को दोष मुक्त साबित करने पर तुले हुए थे, उसमें कई सारी खामियां थी, कमियां थी, उसको लेकर भी सख्त टिप्पणियां की है। हालांकि मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो पूरा मटेरियल था उससे पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं किया, और ईडी को अपनी पूरी आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं रखने दी। परंतु आज सवाल ये पैदा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देता है, हाई कोर्ट राहत नहीं देता है, तब सडनली डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। और जब वही लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई राहत दे दे तो डेमोक्रेसी जीवित हो जाती है। इस प्रकार से जो रवैया अपनाते हैं कि यदि कोई कोर्ट का फैसला या कोई कोर्ट का निर्णय अपने खिलाफ हो तो चिल्लाना कि लोकतंत्र खत्म हो गया, और कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में हो तो चिल्लाना कि लोकतंत्र बहाल हो गया, इस प्रकार का जो रवैया है इंडिया अलायंस का भी और खास करके आम आदमी पार्टी का, उस पर आज एक करारा जवाब है। और आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए कि जब हाई कोर्ट ने फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी है तो शराब घोटाले पर कब वो जवाब देना शुरू करेंगे। शराब घोटाले पर जवाब नहीं, अब तो पानी का घोटाला, वाटर टैंकर घोटाला भी सामने आ गया और दिल्ली वासियों को बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसा दिया, उस पर भी जवाब नहीं। हर बात में या तो लोकतंत्र को गाली देना या तो किसी और को गाली देना, पर अपनी जिम्मेदारी से भागना और कोई जवाब ना देना, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है आम आदमी पार्टी का।